मैं आज मसाला पापड़ बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने दो पापड़ लिए हैं, उड़द दाल के। आप चाहो तो मूंग दाल के भी ले सकते हो। मसाला पापड़ में डालने के लिए इधर मिर्ची है कटी हुई बारीक, और नींबू है और चीज़ है, इधर धनिया है। इसमें मसाले हैं सारे डालने के लिए। इसमें गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, चाट मसाला है, जीरा पाउडर है और काला नमक है। ये टमाटर कटा हुआ बारीक, गाजर बारीक, सेव, प्याज, और इधर चुकंदर को भी मैं बारीक पीस ली हूँ। आप वीडियो पे बने रहिएगा। इधर मैं एक तवे को गैस पर चढ़ा दी हूँ। तवा गर्म हो चुका है, इस पर पापड़ को सेक लेना है। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बनेगा पापड़, मसाला पापड़। डायरेक्ट आग में सेकने से जल भी सकता है, इसलिए तवे पर आप सेकिए। इसे तेल से भी आप छान सकते हो, लेकिन पापड़ सीधा होना चाहिए। पापड़ को अच्छे से इस प्रकार सेक लेना है। उसके बाद ऊपर से ऐसे तेल लगा लेना है। दोनों साइड ऐसे तेल लगा लेना है। पापड़ को मैं अच्छे से सेक ली हूँ, बिल्कुल सीधा है पापड़। इसे अब प्लेट में निकाल लेना है। पापड़ को भी उसी प्रकार सेक लेना है। दूसरा वाला पापड़ भी तैयार हो गया है। दूसरा वाला पापड़ भी तैयार हो गया। इसे डेकोरेट करने के लिए इसमें पहले गाजर डाल देते हैं अच्छे से, बारीक कटा हुआ प्याज। इस पर मैं चीज़ भी डाल रही हूँ थोड़ा सा। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। टमाटर डालना है। मिर्ची, मिर्ची आप अपने अनुसार डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। धनिया बारीक कटा हुआ, इधर बारीक सेव डाल देना है। थोड़ा सा चुकंदर का चूरा डाल देती हूँ बारीक किसा हुआ। इस पर अब मसाले डालना है। अमचूर पाउडर, काला नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला और ये जीरा पाउडर। ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस डाल देना है। ये मसाला पापड़ बनकर तैयार हो गया है। आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक जितने लोगों ने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।